सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्रेड गेम सीजन 2 के बारे में, जो फाइनली हो चुका है रिलीज। और इसमें हमें तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिलता है। हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 56 से लेकर 48 मिनट्स के बीच में है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ था। और मैं कहानी के बारे में इसलिए आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये अगर मैं जरा ये बताऊंगा तो आपको कहानी के बारे में पता चल जाएगा और जो देखने का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से गणेश दाजू ने वहां से निकलता है और केनिया पहुंचता है। केनिया पहुंचने के बाद उसे कैसे गुरुजी मिलते हैं और फिर वो वहां पे क्या क्या करता है, किसके अंडर काम करता है, वो सब कुछ जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके अलावा जो इसमें एक जो नया कैरेक्टर उभरते हुए आई यानी कि अमृता सुभाष, जिसने इसमें रोल प्ले की है कुलसुम देवी यादव का, वो किरदार मुझे कहीं कहीं पे गणेश गायडुंडे के किरदार पे भारी होता हुआ नजर आया। लेकिन गणेश गायडुंडे तो अपनी जगह पे बेस्ट है ही। उसके अलावा मैं रणवीर शौरी के किरदार जो शाहिद खान का है, वो किरदार आप फर्स्ट एपिसोड से उनकी नाम सुनोगे लेकिन उनको पांचवें और छठे एपिसोड में देखोगे। लेकिन जो रणवीर शौरी का जो स्क्रीन टाइमिंग है वो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर है वो सीजन 2 के लिए बहुत जरूरी था। वो बहुत अहम कैरेक्टर है। गुरु जी का किरदार पंकज त्रिपाठी का जो रोल है बहुत ज्यादा शानदार है, अट्रैक्टिव है। और जो उनका जो तरीका है उनके जो भक्तों को मैनिपुलेटिंग करने का या ब्रेन वॉशिंग करने का, बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मैं भी उस आश्रम में होता तो शायद उनकी बातों में मैनिपुलेट होता। जिस तरीके से उनका जो तरीका है ना पूरा बोलने का, बहुत ज्यादा लाजवाब लगा। मतलब गुरु जी का किरदार पंकज त्रिपाठी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। और गणेश गायडुंडे कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था। उसके अलावा कालकी कोचिन का किरदार भी बहुत अच्छा है, जो गुरु जी के आश्रम में एज ए शिष्य है, तो उसका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा सरताज सिंह यानी सैफ अली खान का किरदार भी आपको दिल जीत लेगा। जैसे सीजन 1 में जैसे वो एक इम्पैक्ट छोड़ के गए थे, वैसे सीजन 2 में भी आपको उनकी जो मेहनत है, जो जिस तरीके से क्लूज ढूंढते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कहानी कहीं पे भी आपको बोर नहीं करती है। जितने भी हमारे इंडिया में इंसिडेंट हुए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के दंगे हो, चाहे वो 26/11 और ताज पे हमला, वो सारे इंसिडेंट्स को जोड़कर ये वेब सीरीज बनाई है। उसके अलावा जो अभी प्रेजेंट में जिस तरीके से दंगे का माहौल हो रहा है उसको भी बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस वेब सीरीज में बताया गया। तो कुल मिलाकर ये वेब सीरीज देखनी चाहिए इसके परफॉर्मेंस के लिए, इसकी राइटिंग के लिए, इसके डायरेक्शन के लिए। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो कॉमेडिक सीन्स है, जितने भी उसकी गाली गलौज के सीन्स है और जितने भी उसके जोजो के साथ यानी सुरविन चावला का जो कन्वर्सेशन है, बहुत ज्यादा फनी लगते हैं। हालांकि इसमें बंटी यानी जतिन का रोल ज्यादा नहीं है, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा कम है, जिस हिसाब से उनको सीजन 1 में दिया गया था सीजन 2 में इतना काम नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला, नए कैरेक्टर जितने भी है वो काफी इम्पैक्ट करते हैं, काफी अच्छे लगते हैं और स्टोरी के साथ चलते हैं। और 1 से लेकर 8 एपिसोड आपको कहीं भी बोर नहीं करेंगे। हाँ, बीच बीच में आपको सरताज सिंह और उनकी वाइफ यानी अनुप्रिया गोया के जो सीन्स है थोड़े इरिटेटिंग लगेंगे, थोड़े पकाव लगेंगे। उसके अलावा ये वेब सीरीज कहीं पे भी बोर नहीं करती है। वन शॉट में जैसे कि मैंने देखा, कुछ रात को तकरीबन 12 बजे रिलीज हुई थी और मैंने 1 बजे स्टार्ट किया और मैं सुबह तक इसको देखता रहा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन 100% फुलफिल हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज आप लोग को जरूर देखना चाहिए। अगर आप लोग इस वेब सीरीज को देखोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों का कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है ये भी मुझे जरूर बताना। और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स हो गए तो मैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा बताऊंगा तो फिर आप लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा इस वेब सीरीज को जरूर देखो, क्योंकि वेब सीरीज में वो बात है जो आजकल की वेब सीरीज में नहीं होती है। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज थी, है और रहेगी, और ये सालों तक याद रखेंगे। सेक्रेड गेम सीजन 2 को मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो मेरे दोस्तों जरूर आके देखो। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट में जाओ, जो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको ये वेब सीरीज मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपको कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।